तो दोस्तों स्वागत है आपका इसकी नए वीडियो में, जहाँ पे आज है हम लोगों के पास ये शाओमी का Mi A3। करते हैं इसको जांच, इसकी जांच यानी कि देखते हैं इसमें कौन कौन सी हैं हिडन फीचर जो कि आपको भी नहीं पता होगा। तो देखने के लिए देखते रहिए आगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप आज हम लोग देखने वाले हैं रेडमी का शाओमी का A3 के फीचर्स। चलिए देखते हैं कौन कौन से फीचर है इसी शाओमी के A3 में। तो सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले हम लोग को जाना होगा यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सर्च करना है बी यू टी टी। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा मैग्नीफाई विद बटन्स। मैग्नीफाई विद बटन्स को करना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिख कर आ रहा होगा मैग्नीफाई विद बटन, करना है ओपन। यहाँ पर लिख कर आ रहा होगा यूज सर्विस। अगर इसको करेंगे हम ऑन, तो इससे ये होने वाला है कि अगर आपके पास छोटे से छोटे वर्ड भी लिखे होंगे तो सिर्फ आपको दो बार इसको टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ ये इस तरीके का हो जाएगा। अभी हम दिखाते हैं इसको। यहाँ पे देखिए आप कुछ बंद करा रहा है आदमी, ऐसा यहाँ पे देखिए बंद करा रहा है। इसको जैसे ही हमने दो बार टैप किया, टैप करने के बाद ये आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही होंगी। ये देखिए ऑरेंज कलर की लाइन दिखने का क्या मतलब है, अगर हम अब इस अपनी दो फिंगर्स को इस पे अगर स्वाइप करेंगे तो अब ये शायद जूम हो जाएगा। ये देखिए अब हम कोई भी वर्ड को आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं, चाहे जितना भी छोटा वर्ड हो। अगर हम फिर से इसको डबल टैप करेंगे तो फिर से ये यहाँ से छोटा हो जाएगा। फिर इसको करेंगे और फिर डबल टैप करेंगे, फिर ये चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर है शाओमी के Mi A3 में। अब बात करते हैं ऊपर वाले फीचर। ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, मैग्नीफाई विद ट्रिपल टैप। ट्रिपल टैप का मतलब क्या है कि आपको तीन बार टैप करना होगा। तो इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि तीन बार एक डॉट बनकर आ रहा है, यानी कि हमें सिंपली स्क्रीन पर तीन बार करना है टैप। चलिए करते हैं इसको ओपन। ये कर दिया हम लोगों ने ओपन। ओपन करने के बाद अब हम लोग को करना है यहाँ पे तीन बार टैप। तो ये देखें यहाँ पे ये हो चुका है ओपन, और इसको हम कहीं भी सिंपली इधर उधर कर कर देख सकते हैं। और चाहे तो ये हमारी मैक्स जूम है, और उसके बाद तीन बार फिर करना है टैप, वापस से अपनी सिंपल स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है माई के इस फोन में। अब बात करते हैं दूसरे फीचर की। तो अब यहाँ पर हम लोग को सिंपली यहाँ पर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा होम सेटिंग। होम सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा नोटिफिकेशन विद डॉट्स। नोटिफिकेशन विद डॉट्स को करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लिंक लाइट या नोटिफिकेशन विद डॉट यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई मतलब अगर यूट्यूब पे कोई भी नई वीडियो आई है या कोई भी नया मैसेज आया है तो उस ऐप पर डॉट बनकर आ जाएंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है। अब चलते हैं एक और बढ़िया फीचर की तरफ। सबसे पहले आपको करना है सेटिंग्स को ओपन। ओपन करने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी एंड लोकेशन। सिक्योरिटी एंड लोकेशन में जाने के बाद आपको जाना है सिंपली फिंगरप्रिंट में। फिंगरप्रिंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है पासवर्ड अपना, जो भी आपका पासवर्ड है। तो यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख कर आ रहा होगा शो फिंगरप्रिंट आइकन व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ। तो अब हम लोग को सिंपली यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब जब भी आप यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो आपके पास ये सामने एक फिंगरप्रिंट का लोगो बनकर यानी कि आइकन बनकर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से सिंपली लॉक स्क्रीन से ही आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके बाद जाते हैं अब यहाँ पे आपको सर्च करना होगा गेस्चर। यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे आ चुका है गेस्चर। गेस्चर को करना है ओपन। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गेस्चर। उसके बाद फिर आपको यहाँ गेस्चर पे जाना है। गेस्चर पे जाने के बाद ये है जंप टू अ कैमरा,
यानी कि अब इसको अगर आप ऑन कर देंगे और अपने ये पावर ऑन ऑफ की बटन्स को 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका, आप कहीं भी होंगे आपका कैमरा हो जाएगा ओपन। तो चलिए चेक करते हैं इसको 2 बार प्रेस करके। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये खुलकर आ चुका है, कैमरा हमारा खुलकर आ चुका है। तो यही कुछ फीचर थे इस Xiaomi के A3 में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।